दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। नहीं, पहली बड़ी खबर, अखिलेश यादव को लगने वाला है बड़ा झटका। ओम प्रकाश राजभर बीजेपी में हो सकते हैं शामिल, योगी सरकार में मंत्री बनने की अटकलें। ये आपको बता दें कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभाषपा के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर यू टर्न लेकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले ओम प्रकाश राजभर की बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। अटकलें हैं कि ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर भाजपा के साथ में जाकर योगी सरकार में मंत्री बन सकते हैं। 2017 में उन्होंने भाजपा गठबंधन के साथ में चुनाव लड़ा था और योगी सरकार में मंत्री भी बने थे, लेकिन बाद में वो बागी हो गए और हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के अहम गठबंधन में साथी रहे। हालांकि चुनाव में सपा की हार के बाद से ही अटकलें लगने लगी कि राजभर एक बार फिर अपना रास्ता बदल सकते हैं। बताया जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर ने शुक्रवार को दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के साथ में मुलाकात की है। बैठक में सुनील बंसल भी मौजूद थे। चारों नेताओं के बीच में लगभग एक घंटे तक बातचीत हुई है। हालांकि भाजपा या सुभाषपा किसी भी पक्ष से इस मुलाकात की पुष्टि नहीं की गई है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव को फिलहाल बड़ा झटका लगने वाला है और ऐसा लगता है कि ओम प्रकाश राजभर बीजेपी में शामिल होंगे। अगली बड़ी खबर, कश्मीरी पंडितों के नरसंहार की फिर से खुल सकती हैं फाइलें। वकील ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से की एसआईटी बनाने की मांग। आपको बता दें कि कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार को दर्शाने वाली फिल्म द कश्मीर फाइल्स के बाद इस मुद्दे पर बहस तेज हो गई है। एक वकील और सामाजिक कार्यकर्ता ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को लिखे पत्र में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार से संबंधित सभी मामलों को फिर से खोलने और कश्मीर घाटी में हत्याओं की घटनाओं की फिर से जांच करने के लिए एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन करने का निर्देश देने की मांग की है। वकील और सामाजिक कार्यकर्ता विनीत जिंदल ने राष्ट्रपति को लिखे अपने पत्र में 1989 से लेकर 1990 में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के मामलों की जांच के लिए उन्हें फिर से खोलने और जांच के लिए एक एसआईटी के गठन की मांग कर दी है। जिंदल ने राष्ट्रपति से आग्रह किया है कि एसआईटी को अब तक दर्ज मामलों की पूरी तरीके से जांच करनी चाहिए और पंडितों को एक मंच प्रदान करना चाहिए जो न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तत्कालीन प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण अपने मामलों की रिपोर्ट करने में समर्थ है। आपको बता दें कि वकील ने तर्क दिया है कि यदि 33 साल पहले हुए सिख विरोधी दंगों से संबंधित मामलों को फिर से खोला जा सकता है तो फिर से जांच की जा सकती है, तो 27 साल पहले हुए कश्मीरी पंडितों के मामलों को भी फिर से खोला जाना चाहिए। आपका क्या मानना है, क्या दोबारा से जांच होनी चाहिए? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, भगवंत मान की कैबिनेट के 10 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। आपको बता दें कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की धमाकेदार जीत के बाद भगवंत मान ने मुख्यमंत्री पद की शपथ 16 मार्च को ही ले ली थी और आज उनके 10 मंत्रियों ने भी शपथ ले ली है। राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने उन्हें शपथ दिलाई है। मान कैबिनेट में पुराने चेहरों के बजाय नए नवेले विधायकों को मौका दिया गया है। उनमें से एक महिला मंत्री भी शामिल है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में राजभवन में मान कैबिनेट का शपथ ग्रहण आयोजित किया गया था। अगली बड़ी खबर, गोवा में दूसरी बार सरकार के लिए भाजपा पूरे तरीके से तैयार। 23 मार्च को होगा शपथ ग्रहण समारोह। आपको बता दें कि गोवा में भारतीय जनता पार्टी लगातार दूसरी बार सरकार बनाने जा रही है। खबर है कि भाजपा नेतृत्व वाली सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 23 मार्च यानी बुधवार को होगा। गोवा विधानसभा चुनाव 2022 में भाजपा राज्य में 20 सीटों पर जीत के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि भाजपा ने प्रमोद सावंत को ही मुख्यमंत्री के तौर पर फिर से राज्य की कमान सौंपने का फैसला किया है। बता दें कि टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सदानंद सेठ तनवड़े ने कहा कि पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर और उप पर्यवेक्षक एल मुर्गन बुधवार को गोवा पहुंचेंगे और उसी दिन भाजपा विधायक दल के नेता को चुना जाएगा। एक बार फिर नेता चुने जाने के बाद नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। 40 सीटों वाले गोवा में भाजपा के बाद दूसरे नंबर पर कांग्रेस रही है। आपको बता दें कि गोवा में भाजपा नेतृत्व वाली नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 23 मार्च को होगा। अगली बड़ी खबर, तेलंगाना में कश्मीर फाइल्स फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान पाकिस्तान के पक्ष में लगे नारे। आपको बता दें कि कश्मीर से कश्मीरी पंडितों के विस्थापन की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स कमाई के मामले में हर रोज नए नए रिकॉर्ड बनाती जा रही है। फिल्म के लिए जबरदस्त समर्थन देखने को मिला है तो वहीं इसके विरोध के स्वर भी सामने आए हैं। तेलंगाना के आदिलाबाद में द कश्मीर फाइल्स फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान कथित रूप से पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी की गई। आरोप के मुताबिक तेलंगाना के आदिलाबाद में द कश्मीर फाइल्स फिल्म की स्क्रीनिंग चल रही
गई थी। 18 मार्च को फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान नटराज थिएटर में दो व्यक्ति सीट नंबर 7 और 8 पर बैठे थे। आरोप है कि फिल्म देखते देखते सीट नंबर 7 और 8 पर बैठे दो लोगों ने पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए। इस घटना की सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस जब तक मौके पर पहुंची, कथित रूप से पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करने वाले दोनों व्यक्ति वहां से जा चुके थे। आपको बता दें कि गौरतलब है कि कम बजट की फिल्म द कश्मीर फाइल्स 100 करोड़ की कमाई करने वाली फिल्मों के विशिष्ट क्लब में शामिल हो गई है। द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री को वाई कैटेगरी की सुरक्षा भी प्रदान कर दी गई है। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने मोदी सरकार से की बड़ी अपील, कहा महंगाई और बढ़ेगी, जनता की रक्षा के लिए कदम उठाए मोदी सरकार। आपको बता दें कि देश में बढ़ती महंगाई के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को आगाह किया है कि राहुल गांधी ने कहा कि महंगाई अभी और बढ़ेगी। साथ ही उन्होंने सरकार से देश की जनता की रक्षा के लिए अब बड़े कदम उठाने का अनुरोध किया है। राहुल गांधी ने कहा कि रूस और यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले ही कीमतों में रिकॉर्ड वृद्धि ने गरीबों और मध्यम वर्ग को कुचल दिया था। उन्होंने कहा कि महंगाई और बढ़ेगी क्योंकि कच्चे तेल की कीमत प्रति बैरल $100 से भी ज्यादा है। खाद्य कीमतों में 22% की वृद्धि की उम्मीद है। कोविड ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को बाधित किया है। आपको बता दें कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने साफ कहा कि भारत सरकार को अब कार्रवाई करनी चाहिए और लोगों की रक्षा करनी चाहिए। अगली बड़ी खबर, नेतृत्व बदलने की मांग पर G23 के सुर पड़े नरम। सोनिया गांधी से मिलने के बाद बोले गुलाम नबी आजाद, पार्टी से नहीं है कोई नाराजगी। आपको बता दें कि चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद CWC की बैठक बुलाई गई, लेकिन G23 खेमा संतुष्ट नजर नहीं आया। दरअसल दो दिनों में बड़े बड़े नेताओं की दो मीटिंग से देश की राजनीति में बड़ी हलचल मच गई। सवाल उठने लगे कि क्या कांग्रेस टूटने की कगार पर पहुंच गई है, लेकिन फिर से सोनिया गांधी एक्टिव हो गई और उन्होंने गुलाम नबी आजाद से मुलाकात फिक्स कर ली। और मुलाकात के बाद ऐसा लगता है जैसे सारे विवाद भी फिक्स कर लिए गए हैं। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही G23 में शामिल कपिल सिब्बल ने सीधे सीधे राहुल गांधी पर सवाल खड़े किए थे। उसके बाद दो दिनों तक G23 की दो मीटिंगें हो चुकी हैं। फिर भूपेंद्र हुड्डा के जरिए सोनिया गांधी से नाराज गुट की मीटिंग तय हुई और गुलाम नबी आजाद ने सोनिया गांधी से मिलकर मीडिया के सामने आए तो कहा कि पार्टी नेतृत्व से कोई भी नाराजगी नहीं है। आपको बता दें कि G23 के नेता जो असंतुष्ट थे, अब ऐसा लगता है कि सोनिया गांधी ने सब कुछ फिक्स कर लिया है। आगे देखना यह होगा कि G23 ग्रुप कांग्रेस के खिलाफ जाता है या फिर सोनिया गांधी ने सबको मना लिया है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस और NCP के साथ में गठबंधन करना चाहती है AIMIM, BJP की बी टीम होने से किया इनकार। आपको बता दें कि AIMIM महाराष्ट्र सरकार में शामिल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के साथ में गठबंधन करना चाहती है। AIMIM सांसद इम्तियाज ने यह दावा किया है कि साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी भाजपा की बी टीम नहीं है। हाल ही में संपन्न हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की अगुवाई वाली AIMIM एक भी सीट हासिल नहीं कर सकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शुक्रवार को जलील ने बताया कि उनकी मां के निधन के बाद राकपा नेता राजेश टोपे उनके घर पर आए थे। AIMIM नेता ने बताया कि ये हमेशा आरोप लगाया जाता है कि भाजपा हमारे कारण जीत जाती है। इस आरोप को गलत साबित करने के लिए मैंने टोपे के सामने प्रस्ताव रखा है कि हम गठबंधन के लिए तैयार हैं। हालांकि उन्होंने मेरी पेशकश के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। जलील AIMIM की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख भी हैं। आपको बता दें कि फिलहाल ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में AIMIM NCP और कांग्रेस के साथ में गठबंधन करना चाहती है, लेकिन उसने BJP की बी टीम होने से साफ इनकार कर दिया है। अगली बड़ी खबर, योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, बोले यूपी ने चुनी सुशासन की सरकार, कायम रहेगा विजयश्री का ये सिलसिला। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने एक बार फिर राष्ट्रवाद और सुशासन की सरकार को चुना है। जनता की विजयश्री का ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा और हमेशा कायम रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 साल में पहली बार होली पर कोरोना नियंत्रण में है और हमें इस कार्यक्रम में व्यक्तिगत रूप से भाग लेने का अवसर मिला है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि भक्त प्रहलाद विजयी हुए थे, ऐसे ही 2022 के चुनाव में आप सब विजयी हुए हैं। आगे भी हम और आप ऐसे ही सात्विक मार्ग पर आगे बढ़ेंगे तो विजयश्री का ये सिलसिला हमसे कोई नहीं छीन सकता। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश की जनता को और उत्तर प्रदेश की जनता को होली की बहुत बहुत बधाइयां दी हैं। अगली बड़ी खबर, योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में सोनिया गांधी के शामिल होने पर कांग्रेस नेता ने जताई आपत्ति। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में जाने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि इससे अल्पसंख्यकों में गलत संदेश जा सकता है। कयास लगाए जा रहे हैं कि सोनिया गांधी अगले सप्ताह होने जा रहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकती हैं। राजधानी लखनऊ के इकना स्टेडियम
स्टेडियम में कार्यक्रम की तैयारियां शुरू हो गई हैं। समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में अलवी ने कहा कि सोनिया गांधी को योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये अल्पसंख्यकों में गलत संदेश भेजेगा। एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से कहा कि विपक्षी दलों में से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव, सपा प्रमुख अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती को भी आमंत्रित किया जा रहा है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।